हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिशन अधिकारी में। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है मैट्राइसेस। क्वेश्चन देखते हैं, आपके स्क्रीन के ऊपर है, चेक वेदर द फॉलोइंग मैट्राइसेस आर इन्वर्टिबल और नॉट। तो ये मैट्राइक्स वर्टिबल है या नहीं है, तो इसे हम लोगों को क्या करना है, सॉल्व। पहला मैट्रिक्स है मैट्रिक्स 1001। तो देखो ये कैसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, लेट ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स, कैसे होगा, 1001 बराबर है। तो ये हो गया आपका गिवन। तो ये एग्जिस्ट है या नहीं, तो एग्जिस्ट कब होगा, कंडीशन कौन सी, मॉड ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो रहेगा तभी ये क्या होगा, एग्जिस्ट होगा बराबर है। तो मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो नहीं रहेगा, कोई भी एक वैल्यू रहेगी तभी वो एग्जिस्ट होगा। यदि वो जीरो रहता तो वो एग्जिस्ट होगा क्या, नहीं होगा। तो देखो इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे। अब देखो, नाउ मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू, यहां पे क्या होगा, यहां पे 1001, ये इस तरह से लिखा जाएगा बराबर है। अब देखो यहां पे इसे कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पे क्या करते हैं इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इस तरह से। तो सबसे पहले ये वाली टर्म लेते, 1 into 1 माइनस 0 into 0 क्या होगा, यहां पे 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1, नॉट इक्वल्स टू 0, क्या है ये, नॉट इक्वल्स टू 0 है। और नॉट इक्वल्स टू 0 होने की वजह से देयरफॉर ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, therefore A is a non-singular matrix, hence A inverse exists। या से क्या है, A inverse exists है। Next question देखते, second one क्या है, सेकंड वन या पे 1 1 1 1 क्या होगा सॉल्यूशन के हिसाब से। देखो यहां पे सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के बाद लेट ए इज इक्वल टू, ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स क्या, 1 1 1 और 1, कंडीशन क्या होने को होना, मॉड ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, देन क्या होगा, एग्जिस्ट होगा, अदरवाइज नॉन एग्जिस्ट बराबर है। तो नाउ, नाउ के बाद क्या, मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा, यहां पे मॉड ऑफ 1 1 1 1। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये वाला मल्टीप्लीकेशन करेंगे बराबर है। ये वाला मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा, इज इक्वल टू 1 into 1, बाद में फिर माइनस साइन देके ये वाला मल्टीप्लीकेशन करेंगे क्या होगा, 1 into 1 इज इक्वल टू क्या होगा, 1 into 1 1 माइनस यहाँ पे 1 into 1 1 और यहाँ पे क्या होगा, इज इक्वल टू 0। तो इज इक्वल टू 0 है तो ए इज अ कौन सा होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स, देयरफॉर ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, हेंस ए इनवर्स does not exist। next question पढ़ते, third वाला, third one problem देखते, third one problem है 1 3 2 3। तो देखो इसका solution क्या होगा, solution let A is equals to matrix 1 3 2 3। अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे कंडीशन मॉड ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, देन एग्जिस्ट अदरवाइज नॉट एग्जिस्ट। नाउ क्या होगा, अब मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, 1 3 2 3। अब इसका क्या होगा, इसे सॉल्व कर दे, तो इसे पहले वाला ए वाला मल्टीप्लीकेशन करेंगे, मतलब क्या होगा यहाँ पे देखो 1 into 3 माइनस यहाँ पे क्या होगा ये वाला मल्टीप्लीकेशन, मतलब 3 into 2
इज इक्वल टू क्या होगा, 1 इंटू 3 3 माइनस 3 इंटू 2 6, तो क्या होगा 3 माइनस 6 माइनस 3 बराबर है नॉट इक्वल्स टू 0, देयरफॉर ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, हेंस ए इनवर्स एग्जिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते फोर्थ वाला। फोर्थ वाला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर, यहां पे 2 10 3 15 बराबर है। तो इसे देखते सॉल्यूशन कैसे होगा, लेट ए इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स 2 10 3 15, तो क्या कंडीशन है कि मॉड ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू 0, देन एग्जिस्ट अदरवाइज नॉट एग्जिस्ट। नाउ क्या होगा यहां पे, मॉड ऑफ ए इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ क्या होगा 2 10 और 3 और 15। अब यहां पे क्या होगा, सबसे पहले ये वाला प्रोडक्ट होगा, क्या होगा ये वाले प्रोडक्ट में इज इक्वल्स टू 2 इंटू 15 माइनस यहां पे क्या होगा 10 इंटू 3 इज इक्वल्स टू क्या होगा 15 2 30 माइनस 10 3 30 इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स, हेंस ये इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर, कौन सा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। सॉल्यूशन में लेट ए इज इक्वल्स टू क्या होगा मैट्रिक्स कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यहां पे साइन थीटा और यहां पे कॉस थीटा। अब कंडीशन कौन सी है, मॉड ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू 0, देन एग्जिस्ट अदरवाइज नॉट एग्जिस्ट। तो देखो मॉड ऑफ ए इज इक्वल्स टू क्या होगा, मॉड ऑफ में कॉस थीटा यहां पे साइन थीटा, यहां पे माइनस साइन थीटा और यहां पे कॉस थीटा बराबर है। अब इसे सॉल्व करते तो सबसे पहले क्या यूज करते, ये वाला सॉल्व करते, मतलब क्या होगा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर है। यहां पे माइनस ये वाला होगा क्या, माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा बराबर है। यहां पे देखो यहां पे क्या होगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, यहां पे माइनस एज इट इज होगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब माइनस इंटू माइनस प्लस, मतलब क्या होगा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू बराबर है साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता 1 होता, और 1 क्या है नॉट इक्वल्स टू 0 है, देयरफॉर ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। हेंस ए इनवर्स एग्जिस्ट, इससे ए इनवर्स क्या होगा एग्जिस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर, मैट्रिक्स दिया हुआ है sec थीटा tan थीटा tan थीटा और sec थीटा। तो सॉल्यूशन में क्या लिखते हैं, लेट ए इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स sec थीटा tan थीटा और यहां पे tan थीटा sec थीटा बराबर है। और हम लोगों को कंडीशन कौन से पता होगा, मॉड ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू 0, देन द मैट्रिक्स इज एग्जिस्ट अदरवाइज नॉट एग्जिस्ट। तो देखो नाउ मॉड ऑफ ए इज इक्वल्स टू क्या होगा, मॉड में sec थीटा या पे tan थीटा, या पे tan थीटा और या पे sec थीटा
अब इसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए क्या होगा, यहाँ पे इस तरह से ये पहले इनका मल्टीप्लीकेशन होगा, मतलब कैसे sec थीटा इंटू sec थीटा, यहाँ पे माइनस ये, बाद में फिर ये वाला मल्टीप्लीकेशन tan थीटा इंटू tan थीटा, बराबर है। अब देखो इसे सॉल्व करते हैं, sec थीटा इंटू sec थीटा क्या होगा, sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan थीटा इंटू tan थीटा tan स्क्वायर थीटा, और देखो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, इज इक्वल्स टू वन, मतलब नॉट इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू जीरो। देयरफॉर ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, हेंस ए इनवर्स एग्जिस्ट। तो इस तरह से इसे सॉल्व करते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपके स्क्रीन के ऊपर दिए हुए हैं, वो क्वेश्चंस सॉल्व करके वो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। आपके स्क्रीन के ऊपर लेट ए इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स क्या है, कॉलम में देखते हैं 3 1 1 फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम 4 1 4 और थर्ड कॉलम क्या है 3 0 5। अब कंडीशन आप लोगों को क्या पता है, मॉड ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू जीरो रहा तो ये एग्जिस्ट होगा, अदरवाइज ये एग्जिस्ट नहीं होगा। तो मॉड ऑफ ए देखते हैं, मॉड ऑफ ए इज इक्वल्स टू क्या होगा, ये पूरा मॉड में लिखेंगे, कॉलम में देखते 3 1 1, यहाँ पे 4 1 4 और यहाँ पे 3 0 5, बराबर है यहाँ तक के। उसके बाद इसे सॉल्व, इसे और सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या होगा, 3 as it is रहेगा, और 3 as it is बचने के बाद देखो इसे और इसे क्लोज कर देते, फिर क्या बचेगा 1 4 0 5, तो ये वाला यहाँ पे लिखते 1 4 0 5, बराबर है। यहाँ पे फिर माइनस, माइनस के बाद 3 हो गया, यहाँ पे क्या है 4, बराबर है। तो ये जहां पे 4 है वहां पे कॉलम भी बंद करते और रो भी बंद करते, तो क्या बचा आप 1 1 0 5, तो यहाँ पे क्या लिख के 1 1 0 5 प्लस यहाँ पे क्या थर्ड है 3, और 3 में ये कॉलम और ये रो छोड़ दे तो क्या क्या बचा 1 1 1 4, 1 1 1 4। देखो इज इक्वल्स टू 3 इंटू, यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 इंटू 5 5, माइनस 4 इंटू 0 0 माइनस 4, यहाँ पे 1 इंटू 5 5 माइनस 1 इंटू 0 0 प्लस 3, यहाँ पे 1 इंटू 4 4 माइनस 1 इंटू 1 1 इज इक्वल्स टू 3। 5 इंटू 0 क्या होगा 5 माइनस 4, 5 माइनस 0 5 प्लस 3, 4 माइनस 1 3, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करते हैं 5 3 15 माइनस 4 5 20 प्लस 3 3 9, यहाँ पे सॉल्यूशन, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करते हैं 15 में से 20 माइनस किए तो क्या बचेगा माइनस 5 प्लस 9, माइनस 5 प्लस 9, 9 में से 5 गए कितने बचेंगे 4, बराबर है। और दिस इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, ये जीरो नहीं है, हेंस ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, हेंस ए इनवर्स एग्जिस्ट्स, इनवर्स एग्जिस्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। लेट ए इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स कौन सा होगा, कॉलम में देखते हैं कॉलम 1 1 2 1, यहाँ पे सेकंड कॉलम 2 माइनस 1 2 और थर्ड कॉलम 3 3 और 3। अब देखो कंडीशन कौन से होना आपको, मॉड ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, देन एग्जिस्ट, अदरवाइज डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे देखते मॉड ऑफ ए इज इक्वल्स टू क्या होगा, एज इट इज लिखते हैं, यहाँ पे क्या होगा कॉलम में देखते 1 2 1 2 माइनस 1 2 और यहाँ पे
3, 3, 3। इस तरह से उसके बाद मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे वन बचेगा, वन लिखेंगे, ये वाला वन, तो ये वाला कॉलम और ये वाली रो कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा, -1, 2, 3, 3 माइनस, यहाँ पे टू है तो यहाँ पे टू लिखते, क्या टू वाला कॉलम बंद और रो बंद, क्या बचा 2, 1, 3, 3, तो यहाँ पे 2, 1, 3, 3 बराबर है। प्लस क्या 3 बराबर है। अब 3 लिखे तो क्या ये वाला कॉलम और ये वाला रो कट जाएगा, क्या बचेगा 2, 1, -1, 2 2, 1, -1, 2। अब देखो इसे सॉल्व कैसे करते हैं, इसको ऊपर लिख लेता मैं, यहाँ पे क्या होगा इज इक्वल्स टू 1, यहाँ पे -1 × 3 -3 -2 × 3 6 -2 × 3 6 -3 × 1 3 +3 यहाँ पे क्या होगा 2 × 2 4 -1 × -1 -1 बराबर है। ये इस तरह से आएगा। उसके बाद इज इक्वल्स टू क्या होगा 1 × -3 - 6 - 9 -2 as it is 6 - 3 3 +3 यहाँ पे 4 - -1 4 + 1 5। अब इसका मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, यहाँ पे क्या है -9 यहाँ पे -2 × 3 6 +5 × 3 = 15 यहाँ पे देखो -9 - 6 - 15 +15 -15 + 15 = 0 = 0 है तो ये एग्जिस्ट होगा क्या, नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, देयरफॉर ए इज सिंगुल ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, हेंस ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस तरह से ये सॉल्व हो चुके हैं। कुछ क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख भेजिए। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी आपके साथ साथ पढ़ सके, और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलिए।